सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। अभी मैं हूँ फिलहाल बिलापुर रेलवे स्टेशन पे, और आज मतलब कुछ काम नहीं था, ऐसे घूमने के लिए आए थे यहाँ पे स्टेशन पे। तो आज है ना, आज का हमारे मतलब अभी बिलापुर स्टेशन पे खड़ा हुआ। अभी ना आपको आप लोग सुने दे रहे होगा किस ट्रेन के अनाउंसमेंट चालू है अभी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 12780 हजरत निजामुद्दीन वास्कोडी गामा गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन में ना हमारा है ना एक स्पेशल गेस्ट आने वाले, उनसे आपको है ना मैं मिलाने वाला हूँ। वो कौन है क्या है आपको बाद में थोड़ी देर में ना बताता हूँ। वो है ना दिल्ली से बैठे हैं और आज पुणे जंक्शन की तरह है ना उनके ना ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में। तो ऐसे ही मतलब इंस्टाग्राम पे ना मेरी ना उनसे ना बात हो गई थी, वो आने वाले ऐसा कुछ बहुत दिनों से ना प्लान कर रहा था मैं उनसे मिल पाऊँ। हर बार बहुत बार मैं तो पुणे तो जाता हूँ पर मैं मिल नहीं पाती काम के वजह से, एकदम मुझे वैसे आज लकीली टाइम मिला है। और मतलब अभी मैं तो श्रीरामपुर मतलब बेलापुर भी रहता हूँ मैं, तो अभी ऑफिस से है ना मतलब टाइम निकाल के ना मैं यहाँ पे ना आया हूँ। तो हम लोगों ने ना उनके लिए ना बहुत अच्छे से है ना मतलब खाने पीने की ना मतलब वस्तु ले रही है उनको देने के लिए। तो चले फिर जैसे ही ट्रेन आती है ना आप लोगों को मैं मिला था उनसे, क्योंकि ना उस ट्रेन का है ना यहाँ पे ना मात्र 3 ही मिनट का हॉल्ट है। देखते फिर कब आती है ट्रेन। अभी तो पुनता में से डिपार्चर ले चुकी हूँ, मतलब चितरी तक पहुँच चुके हैं अभी वैसे तो। तो अभी कुछ ही समय में ना ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। आप लोगों को यहाँ से ना आप लोगों को है ना दिखी रहा होगा। तो चलिए फिर, उनका नाम है मतलब अभी उनका है ना मैं नाम भी बता देता हूँ, मंदार भाई है उनका यूट्यूब पर चैनल है इनके ब्लॉग्स के नाम से। तो उनका मतलब बहुत मतलब सत्या भाई इंडियन रेलवे फैंस क्लब है, सत्या रेलकान को श्रेयांश जैन ऐसे मतलब मतलब मेरे भी मतलब बहुत अच्छे मतलब उनके भी हम लोग फैन है एकदम। तो उनके साथ ही इनके भाई ना ट्रैवल करते रहते हैं, उसके वजह से हमको है ना मतलब उनके ना हर एक वीडियो में देखता हूँ, मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब आप लोगों को मैं थोड़ी देर में ना उनसे ना मिलाता हूँ, और जैसे ट्रेन आती है ना हम लोग उनसे मिलता हूँ। चलिए फिर कुछ समय में ट्रेन आने वाली, तो जल्दी से ना हम लोग अराइवल लेते हैं। और अभी ना कुछ समय पहले ना 5 मिनट हो गया, अभी 2 नंबर से ही प्लेटफॉर्म 2 की तरफ से ना यहाँ पे ये जा चुकी थी झेलम एक्सप्रेस, इसके पीछे पीछे ही चालू है और वो उसके आगे आगे चालू है। तो चलिए फिर अभी ना 2 नंबर पे खड़ा हो, 1 नंबर पे है ना अभी 12067 है ना कर्नाटका सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही है, बैंगलोर से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है वो ट्रेन। अभी अराइवल दिख रहा है और अब आप लोगों को उस ट्रेन का है ना मैं अराइवल दिखाता हूँ मैं उसका भी और हमारे ट्रेन का भी। तो चलिए फिर देखते हैं ट्रेन का अराइवल। विजयवाड़ा शेड का है ना वेब से मैंने कॉल कर रहे हैं कर्नाटक एक्सप्रेस को। सो दोस्तों आप लोगों को नहीं देखा ही किस पे मतलब ये कर्नाटक एक्सप्रेस है ना बहुत भरी भरी है, मतलब स्लीपर में भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और कुछ कुछ मतलब उसमें ट्रेन के ना मतलब जब मैं कैप्चर कर रहा था ना मैं, तो वहाँ से ना यहाँ पे वो भी थे मतलब कुछ ट्रैवल कर रहे हैं ना लोग उधर का है ना ऐसे ना हाथ कर रहे थे वो ऐसा कुछ है। चलिए जैसे अभी ना ट्रेन आने वाली कुछ समय में एकदम, तो आप लोगों को मैं ना मैं अराइवल दिखाता हूँ जल्दी से ना मल्लार भाई से ना मिलते। चलिए फिर ट्रेन ना आने वाली तो जल्दी से ना मिलता हूँ भाई।
फाइनली ना अभी ना मल्लर भाई नाम से मिल चुके। ये देखो भाई कैसे भाई, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया है बहुत इधर मस्त है, गर्म है यार बहुत इधर है ना, बहुत बार मतलब है ना बहुत यहाँ पे है ना हीट, मतलब बहुत है यहाँ से, तो लग रहा है मुझे हीट तो बहुत ज्यादा, नॉर्थ में तो नहीं थी बट इधर नहीं थी, महाराष्ट्र में आने के बाद हीट बढ़ गई। आपके इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रेन में? ट्रेन तो बढ़िया है, देखो मैं तो राजधानी से जाता हूँ यूजुअली, बट इस टाइम ये चूज करी क्योंकि डायरेक्ट पुणे छोड़ती है मुझे, इसलिए बाकी और ठीक है। ट्रेन का खाना वगैरह अच्छा है, अच्छा है ना, कल आपके लिए ना मैंने ना यहाँ से ना खाना लाई हम लोगों ने भाई से, इतनी जरूरत नहीं थी लाने की यार, नहीं भाई मतलब पहली बार मिल रही हूँ उनसे एक दो, उसी वजह से मैंने यहाँ पे ना पैक करके लाया था। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, भाई की मेहनत है, ब्लॉग कर रहे हैं खुले में, हिम्मत लगती है ब्लॉग करने में, हाँ। नहीं होता यार भाई, मतलब मैंने जब है ना यूट्यूब पर स्टार्ट किया था ना, मैं दो साल हो गए मेरे को इसमें आने के बाद, ऐसा कुछ है एकदम बहुत बढ़िया है। मैं अभी जॉब से ना जॉब कर रहा था, मैं ड्यूटी पे था मैं, अभी जैसे आपसे ना बात हो गई थी, अभी ना जा रहे पुणे की तरफ इस ट्रेन में। चलिए फिर भाई भाई जल्दी मिलते हैं, फिर टाटा बाय बाय। दोस्तों अभी हम लोग आप लोगों से मिला ही मल्लर भाई को, मल्लर भाई का मतलब एनके ब्लॉग्स को, तो अच्छा लगा मिल से उनके, और ट्रेन में काफ़ी बड़े उनका एक्सपीरियंस भी इस ट्रेन में ना काफ़ी बढ़िया था उसी वजह से। चलिए फिर हम लोग का ये ब्लॉग मिनी ब्लॉग है ना कैसा लगा है ना कमेंट सेक्शन में ना मुझे ज़रूर बताना, और जल्दी इस ट्रेन में ना मतलब फर्स्ट क्लास में ना ट्रेवल करने वाला हूँ जल्दी तो। और आप लोगों का है ना एक अपडेट है, मॉन्सी सीरीज के एपिसोड है ना चैनल पर ना आ रहे हैं, तो पहला एपिसोड तो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में ना आपको ना मैं उसका मतलब ये ब्लॉग का मतलब डिस्क्रिप्शन में ना आप लोगों का ना लिंक में दे दूंगा यहाँ से, तो जल्दी से ना वो पहला एपिसोड देखेगा, और जल्दी ना मैं इस वीडियो को ना अपलोड करने के बाद मतलब आज ही मैं ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ, तो जैसे ही ना मतलब यहाँ से ना मतलब वो ये ब्लॉग आने के बाद ना जैसे ये ब्लॉग अपलोड हो जाता है उसके एक दो दिन के बाद सेकेंड एपिसोड आने वाला है मॉनसून सीरीज का, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों ने ना पहली बार चैनल पे ना विजिट कर रहे हैं ना तो जरूर से चैनल को ना सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकॉन भी ऑन करेगा ताकि ना जब भी चैनल पे ना नई वीडियो आ जाए तो आप लोगों के पास से ना नोटिफिकेशन मिलती रहे, ऐसे ही मॉनसून सीरीज के एपिसोड में मिलते रहेंगे। और बहुत सारे मेरे अभी मतलब बहुत सारे मैंने ट्रेन में ना व्लॉग किया हुआ है, बहुत सारे एपिसोड आप लोगों का है ना इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से है ना मॉनसून सीरीज के सेकेंड एपिसोड में मिलते हैं इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, आज ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून, जल्दी से मिलते हैं हम लोग सेकेंड एपिसोड में, तो तब तक है ना आप लोग ख्याल रखेगा। और हाँ इंस्टाग्राम पे ना फॉलो करना चाहते हैं ना तो जल्दी से फॉलो कर लो, मेरी इंस्टा आईडी है शुभम वर्णी ऑफिशियल, वहाँ पर मतलब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर से फॉलो करिएगा, ताकि ना जब मतलब वहाँ पर मैं पर्सनल रिसीट वगैरह सब कुछ मैं फोटोज वगैरह सब कुछ मैं डालता रहता हूँ। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ मॉनसून सीरीज के एपिसोड में, और आप लोगों को है ना मतलब भाई से मिलकर है ना आप लोगों को कैसा लगा है ना कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना मुझे। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।